साइकिल्स, आज हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, वो है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, द्वितीय आंकड़े संकलन विधियाँ, जिनमें चार विधि हैं। और हमारा पहला विधि है सेंसस मेथड, अर्थात जनगणना विधि। इसको आज हम लोग शुरू करेंगे। जनगणना की भाषा जो सेंसस है, सेंसस शब्द रोम से लिया गया है, जहाँ फौजी शासन, राजनीतिक एवं कर निर्धारण इत्यादि के लिए युवक नागरिकों का एक रजिस्टर रखा करते थे। तो ये बहुत पुराना शब्द है। और जनगणना में किसी निश्चित तिथि या तारीख पर एक देश में रहने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण गणना की जाती है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी समय विशेष पर किसी निश्चित क्षेत्र में बसे सभी व्यक्तियों से संबंधित जनांकिकीय आंकड़ों के संग्रहण, संकलन तथा प्रकाशन संबंधी प्रक्रिया को ही जनगणना कहा जाता है। सो सेंसस इज एन एन्यूमरेशन ऑफ पीपल और आइटम्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री और डिफाइंड एरिया, एंड दिस टर्म इज मोस्टली used to define the number of population and the characteristics of the population. This word is a Latin verb which originates from Rome, and it was taken from them because in Rome, in the periods of the king rule, the king's soldier used to maintain a diary or a register of all the youth who were the residents or the citizens of the country to determine the amount of tax and the other payments which would be made by their citizens. विशेषताएं होती हैं कुछ। सो वी नाउ कम टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन सेंसस। यह एक राष्ट्रीय स्कंध मूल्यांकन होता है, अर्थात जनगणना एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी एक मूल्यांकन होती है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या के आगणन के साथ साथ लिंग, आयु, पेशे तथा उसके आर्थिक वह सामाजिक विशेषताओं के संबंध में व्यापक जानकारी संग्रह की जाती है। सो इट्स अ कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन और डेमोग्राफी, यू कैन से डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज इन दिस नॉट ओनली द नंबर ऑफ पीपल इज काउंटेड, बट अलोंग विद दैट द एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन, एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स आर कलेक्टेड। सेकेंडली, इट इज स्पॉन्सर्ड बाई द गवर्नमेंट। सच अ स्टडी विच इज परफॉर्म्ड इन एवरी फ्यू ईयर्स इज कंडक्टेड बाई द गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बाई द गवर्नमेंट। यह सरकार के द्वारा प्रवर्तित होती है। इस कार्य हेतु विस्तृत संगठन एवं आर्थिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे केवल केंद्र सरकार ही वहन कर सकती है। राज्य सरकारें इस कार्य में सहयोग देती हैं। It requires a huge amount of expenses, which only the central government can afford. The state governments definitely extend their support and cooperation during this entire period of study. यह एक निश्चित काल अवधि में होती है। Its periodicity is maintained. जनगणना नियमित रूप से एक निश्चित कालावधि पर ही होती है, जैसे कि भारत में इसे हर दशक में एक बार किया जाता है।
So it is performed at the same time throughout the country and at the regular interval. For example, in India, it is conducted once every 10 years, once every decade. So this periodicity is always maintained. Fourthly, there is agreement on areas to be included also. Which are the areas which are to that have to be taken under the study is already predetermined. तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्र जो है जनगणना की वो स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाती है ताकि यह सीमित रखी जाए और क्षेत्र को भौगोलिक या राजनीतिक आधार पर परिभाषित किया जाता है। जैसे भारत में जनगणना का आशय भारतीय संविधान में भारत की जो सीमाएं स्पष्ट की गई हैं उस क्षेत्र की जनगणना से ही होती है। सो इन इंडिया द एरिया ऑफ स्टडी इज डिफाइंड बाय द पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल लेजिस्लेटिव एरिया एक्सटेंडेड ओनली फॉर इंडिया फॉर द कंट्री दैट पर्टिकुलर एरिया इज कंसिडर्ड अंडर द स्टडी द सेंसस डेटा कलेक्शन। दिस मेथड हैज यूनिवर्सैलिटी That means it is performed at the same year, in the same manner, and for data collection, a homogeneous process is taken throughout the country. यह कार्य सार्वभौमिकता रखती है, क्योंकि इस रीति द्वारा किया गया कार्य में जो भी आंकड़े संकलन किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में सूचना ली जाती है। सो एवरी इंडिविजुअल इज स्टडीड, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज स्टडीड एंड इट इन्वॉल्व्स अ फिजिकल काउंटिंग ऑफ द पीपल। दिस मेथड हैज अ यूनिकनेस दैट इज इंडिविजुअल एन्यूमरेशन इज डन बट At the same time, the time zone is not different, so there is no, you can say, deviations in data. जनगणना एक साथ की जाती है पूरे क्षेत्र के लिए और वो भी एक निश्चित समय के लिए। एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित समय में इसे संपन्न किया जाता है ताकि तुलना करने में आंकड़ों का प्रयोग आसानी से किया जा सके तथा इसमें व्यक्तिगत सूचनाएं ली जाती हैं एंड इंडिविजुअल डेटा इज कलेक्टेड सो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द कंट्री। आफ्टर द एंटायर प्रोसेस इज डन दैट इज डेटा कलेक्शन इज डन डेटा इज कंपाइल्ड एंड देन इट इज पब्लिश्ड एंड गिवन अवे फॉर डिसमिनेशन। सो द एंटायर Data is revealed to every citizen of the country, all the institutions who require it for further study or their other purposes. इस पूरे कार्य के अंत में, अर्थात आंकड़ों को प्राप्त करने के पश्चात, उनका संपादन करके प्रकाशन किया जाता है। Census has economic, social and political significance. जनगणना का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से महत्व होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से जनगणना देश की आर्थिक प्रवृत्ति का दिशा बताती है, दशा भी बताती है। इससे जनसंख्या का व्यवसायिक ढांचा मालूम होता है। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर का पता चलता है। इन आंकड़ों के आधार पर परिवार नियोजन, खाद्य समस्याएं तथा अन्य नीतियों का आलंकन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। बीमा कंपनियों को इससे अपनी नीतियां बनाने में सहायता मिलती है। औद्योगिक प्रगति,
तथा व्यावसायिक ढांचों का ज्ञान इन आंकड़ों से प्राप्त होती है। जनगणना की सहायता से किसी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, बेकारी अर्थात बेरोजगारी, निर्धनता इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और जनगणना से सरकार को राष्ट्रीय नीति के निर्माण में भी मदद मिलती है। सो इकोनॉमिकली वी कैन सी दैट सेंसस गिव्स अ वाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ वेरी डीप इवैल्यूएशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इट रिवील्स द करेंट पिक्चर ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वेरियस ऑक्यूपेशंस ऑफ द कंट्री। The urban and rural growth rates of population helps in the formulation of food policy, resource allocation policies, etc. It also tells us about the migrational tendencies of the various regions of the country. Its data reveals indexes of poverty, unemployment, national income, and other demographic ratios, which are not only helpful for macroeconomic policy decisions, but also for individual companies like insurance companies, who are very much dependent on the life table for formulation of their individual policies. Now, moving on to the social significance. जनसंख्या तथ्य सामाजिक तथ्य की जानकारी देती है। जनसंख्या में जेंडर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, विवाह इत्यादि प्राप्त होती है। जनसंख्या का आकार और उसकी संरचना, विशेषताएं, शैक्षणिक व व्यावसायिक स्थिति, स्त्री पुरुष अनुपात, विभिन्न वर्गों, जातियों, संप्रदाय, धार्मिक व्यक्तियों की जनसंख्या में स्थान, सामाजिक कुरीतियाँ या सामाजिक रीतियाँ, भाषा, धर्म, लिंग, संयुक्त परिवार प्रणाली, शिशु मृत्यु दर इत्यादि का आंकड़ा या ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जिससे ये समझ में आता है कि समाज की स्थिति, दशा एवं दिशा क्या है। सो फ्रॉम द सेंसस वी कैन गेट अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, द डायरेक्शन इन विच द सोसाइटी इज मूविंग, द चेंजेस इन द सोसाइटी दैट हैज बीन देयर। दिस कैन बी डन बाय अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द सेंसस ऑफ द पास्ट इयर्स एंड द प्रेजेंट वन, एंड इट रिवील्स टू अस the social characteristics of the population regarding their culture, their language, tendencies of living, patterns of lifestyle, practices that are taken up in the society, status of women, nutritional factors that drive or that lead to child mortality rates or mother mortality rates. वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता अपने विविध प्रयोगों को सफल करने के लिए इन आंकड़ों की सहायता लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सोशल साइंटिस्ट्स टेक हेल्प ऑफ द सेंसस टू स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी विच समहाउ और द अदर इज इंटरडिपेंडेंट विद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो एंड अगेन इम्पैक्ट और अफेक्ट द अदर्स टू। Political significance holds a very high importance in census. राजनीतिक स्तर पर इन तथ्यों की काफ़ी महत्व रहती है। इसके आधार पर संसद एवं विधानसभाओं के क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। On the basis of the study, the
एरिया ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबली इज डिसाइडेड. सेंटर स्टेट रेवेन्यू एंड रिसोर्स इज ऑल्सो डिसाइडेड ऑन दिस सेंसस. केंद्र एवं राज्यों के बीच में आय तथा साधनों का आवंटन या विभाजन जनगणना की जनसंख्या के संकलन एवं उसके आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है. इंटरनेशनली स्पीकिंग इट गिव्स अ लॉट ऑफ असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हु टेक केयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ऑफ बिटवीन कंट्रीज, और दे आर फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस असिस्टिंग फिनेंशियली द डिफरेंट गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ग्लोबली. सो ऑन अ ग्लोबल लेवल such data, such information is helpful to understand a country, its growth and its potentials, and also helps in comparative analysis between the countries. It is with the help of these data that indexes and ranking of countries are created. Vibhinna Vishwa Sansthaon in aankdon ka sahyog से अपनी योजनाएं बनाती हैं और इन्हीं के सहयोग से विकास में अपना योगदान भी करती हैं, क्योंकि ये आंकड़े अलग अलग देशों की दृष्टिकोण, उनकी स्थिति, आर्थिक विकास का दर इत्यादि स्पष्ट करती हैं. इन आंकड़ों के आधार पर देशों के तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में ये आंकड़े सहायक होते हैं. के लिए दो प्रणालियां होती हैं. There are two methods of conducting the population census. एक है तथ्य सिद्ध प्रणाली, the de facto method, और दूसरा है विधि सिद्ध प्रणाली, the de jure method. पहला हम लोग तथ्य सिद्ध विधि पर आएंगे, the de facto method. इस प्रणाली में निश्चित रात्रि या दिवस को सारे देश में एक साथ सभी मनुष्य की गणना जहां वे उपस्थित हों कर ली जाती है, चाहे वह किसी अन्य स्थान पर निवास करते हों. सो अंडर दिस मेथड इन एन एंटायर कंट्री इन अ प्री डिटर्मिंड डेट इन द डे और इन द नाइट, दैट टाइम इज ऑल्सो प्री डिटर्मिंड, ऑल द पीपल इन दैट कंट्री प्रेजेंट ऑन दैट डे will be enumerated. Whether that person is living in his or her residential place or not, enumeration is done on that particular day wherever people are staying. Maan liya jaye ki 1st January 2020 ko ganana hui, theek hai? To 1st January कि 24 घंटे में जो जहां पे उपस्थित होगा उसी स्थान पे, चाहे वो वहां का निवासी हो चाहे नहीं हो, उसी स्थान पर उससे इंफॉर्मेशन या आंकड़े ले लिया जाएगा. उसी समय पर, उसी स्थान पर उसे उस स्थान का निवासी मानकर गणना की जाएगी. इसे कहा जाता है तथ्य सिद्ध प्रणाली. इट इज नोन एज द de facto method. Okay, now this de facto method has some characteristics.
इस प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो ये है कि यह वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाता है. सो द एन्यूमरेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द रियल प्रेजेंस ऑफ द पीपल. वेर एवर द पीपल आर प्रेजेंट, दैट प्रेजेंस इज टेकन एज रियल. जिस व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है उसे पर्ची दी जाती है ताकि अन्य प्रगणक उस पर्ची को देख लें और उस व्यक्ति को दोबारा ना शामिल करें. सो द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज इरेडिकेटेड और एलिमिनेटेड इन दिस काइंड ऑफ अ मेथड. एवरी पर्सन हु इज टेकन और फ्रॉम हुम इंफॉर्मेशन इज टेकन वंस इज गिवन अ टोकन. And that person shows that token to other enumerators who will not include his or her name in the list again. So, parichayon ka upyog kiya jata hai. So, identity cards, tokens are given, which are used for this method. And the best thing is that the enumeration or data collection is done in one date. On one day at a predetermined date. एक ही तिथि को गणना की जाती है और ये कार्य रात्रि को ही संपन्न किया जाता है ताकि लोगों के कार्यों में या किसी भी कार्य में अड़चन या अवरोध पैदा ना हो. So that no obstruction is there and everybody is at their home. This is the greatest characteristics of this method. अब आते हैं इसके गुण एवं दोषों पर. यह एक सरल विधि है. सो इट इज अ वेरी सिंपल मेथड एंड इसे सरलता से हम पूरा कर सकते हैं. गणना करने के लिए कोई नियम नहीं बनाए जाते हैं. जो व्यक्ति जहां है वहीं उनकी गणना की जाती है. सो हुएवर इज देयर इन विच एवर प्लेस दे आर देयर, इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम देम वेरी ईजिली. और इस गणना से प्राप्त जो भी आंकड़े होते हैं वो शुद्ध होते हैं. सो देयर इज ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द डेटा. अंतर्राष्ट्रीय तुलना में ये गणना के आंकड़े उपयोगी होते हैं तथा विशिष्ट दशाओं में उपयुक्त होते हैं. दे आर द डेटा इज यूज फॉर इंटरनेशनल कंपेरिजन्स and it is also used by various other bodies of the government and also of the private nature. lekin iske kai dosh bhi hain. it has a lot of demerits also. pehla dosh ye hai ki ye kafi kharcheeli hai. it is a very costly method because ek samay mein jab kam samay mein hame bahut zyada kshetra bada vyapak kshetra se aankde uthana padta hai ek desh ka, to जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रगणकों की आवश्यकता होगी और उनको उन पर व्यय भी किया जाएगा. सो लॉट ऑफ एन्यूमरेटर्स आर रिक्वायर्ड एंड देयर पेमेंट्स मेक्स अ ह्यूज लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. और दूसरी दोष ये है कि सही जनसंख्या का ज्ञान नहीं हो पाता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पॉपुलेशन and certain angles of the population also. तथा कुछ विशेषताओं का भी सही परिचय नहीं मिल पाता है. Since people are counted where they are, so their actual residence is not taken into consideration. लोग जहाँ हैं वहीं पर उनकी गणना की जाती है. तो उनके जो उनका जो असल घर है या असल निवास स्थान है उसका गणना नहीं की जा पाती है. जनसंख्या कितनी है उसका ज्ञान भी हमें नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि एक रात में समस्त आंकड़ों को एकत्रित करना बहुत मुश्किल होता है. कई बार जो प्रगणक है वो अपने आप भर देते हैं क्योंकि रात को रेल, बस, हवाई जहाज़ या किसी तरह से भी यात्रा करना
थोड़ी मुश्किल होती है, और जो यात्रा कर रहे हैं रात को, ऐसे यात्रियों की भी गणना करनी मुश्किल है. सो द पीपल हु आर ट्रैवलिंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड. अपार्ट फ्रॉम दिस, पीपल आर ऑल सम पीपल हु टेक एन ऑफेंस बिकॉज इन द नाइट व्हेन द एन्यूमरेटर्स गो एंड नॉक देयर डोर, दे आर वेरी ऑफेंडेड एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू गिव एन इन्फॉर्मेशन. कई लोग अपने घरों में प्रवेश नहीं करने देते हैं या आंकड़े नहीं देते हैं, सहायता और कोऑपरेशन नहीं हो पाता है. तो ये सारी मुश्किलें इस विधि में आती हैं, जिसके कारण सही प्रकार से पूरी जनसंख्या की गणना करना मुश्किल है और कठिन भी है. इसीलिए भारत में इस विधि को 1931 के बाद प्रयोग में नहीं लिया गया. इंडिया यूज टू यूज इट, बट इट अबैंडन दिस मेथड बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, एंड आफ्टर 1931 दिस मेथड वॉज नो लॉन्गर इन यूज. अब आते हैं हम लोग दूसरे विधि पर, जिसे कहा जाता है विधि सिद्ध प्रणाली. इट इज नोन एज द डी ज्योर मेथड. इस प्रणाली में व्यक्ति की गणना उसके सामान्यतः सदा रहने वाले स्थान पर की जाती है. सो इन दिस मेथड पीपल आर काउंटेड एंड देयर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस. यदि कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर है तो जनगणना की अवधि में चला गया है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. इफ अ पर्सन इज नॉट इन हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इज ट्रैवलिंग और हैज शिफ्टेड समवेयर फॉर अ टेम्पररी टाइम और has been on a tour, on a visit to some other place, then that person is not taken into consideration. यह प्रणाली का कार्य एक दिन अथवा एक रात्रि के स्थान पर एक निश्चित अवधि में की जाती है. In this method, the entire period of study is not one day or one night or not 24 hours, but at least some time is given to it, like 2 or 3 weeks or a month, so that the entire country can be enumerated, the entire population of the country can be counted and data can be collected very easily, and every single person can be brought into the purview of its study. Iske kuch visheshtaye hain. It has some characteristics. स्थायी निवास के आधार पर ही गणना की जाती है. सो दिस स्टडी इज बेस्ड एंड कंडक्टेड ऑन पीपल एट देयर ओन रेसिडेंस, एरिया ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ रेसिडेंस. गणना का कार्य एक निश्चित अवधि तक चलता है. इस अवधि के मृतक व जन्मे व्यक्तियों का समायोजन भी किया जाता है. द एन्यूमरेशन अंडर दिस मेथड इज टेकन अप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम द नंबर ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. गणकों के प्रशिक्षण की जाती है और इस प्रशिक्षण के बाद ही इन्हें गणना के लिए गणना का कार्य सौंपा जाता है, ताकि वे शुद्ध आंकड़े प्राप्त कर सकें. फॉर दिस मेथड एवरी एन्यूमरेटर इज गिवन ट्रेनिंग एंड ओनली आफ्टर दैट ट्रेनिंग दे आर अलाउड टू कलेक्ट डेटा. बाकी सबकी तरह इस विधि के भी कुछ दोष और गुण हैं. गुणों पर पहले आते हैं. This method also has some merits and its demerits. Among its merits, we can say कि आंकड़ों की सूत्रता पर अगर ध्यान दें तो इस प्रणाली में आंकड़े अधिक शुद्ध होते हैं, क्योंकि गणना कार्य प्रशिक्षित प्रगणक के द्वारा किया जाता है और एक निश्चित अवधि तक चलता रहता है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति गणना में शामिल हो सके. So there is a level of high accuracy and authenticity of this data, because firstly, the enumerators are well trained in data collection,
एंड सेकेंडली एवरी पर्सन और हुज अ रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इज रीच्ड आउट एंड इज कॉन्टैक्टेड ड्यूरिंग द स्टडी एंड दैट इज वाई द स्टडी इज गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम सम वीक्स सम मंथ्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी. यह प्रणाली मितव्ययी होती है क्योंकि कम संख्या के प्रगणक की आवश्यकता होती है. इसमें वी रिक्वायर फ्यूअर एन्यूमरेटर्स इन दिस मेथड एंड दैट इज व्हाई इट इज चीपर मेथड. जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण का ज्ञान इससे प्राप्त होता है. वी कैन गेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन रीजन वाइज फ्रॉम दिस स्टडी. और स्थानीय संस्थाओं के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और उपयोगी भी. द डेटा इज यूज फॉर पॉलिसी मेकिंग नॉट ओनली बाय द सेंटर बट ऑल्सो द स्टेट बॉडीज एंड इट इज हाईली ऑफ इम्पॉर्टेंस एंड यूज फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन. लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं. यदि कोई व्यक्ति अस्थाई निवास वाले वाला है वह जनगणना में सम्मिलित नहीं होता है. सो अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडिंग परमानेंटली एट अ प्लेस एट द टाइम ऑफ एन्यूमरेशन इज यूजुअली लेफ्ट आउट. दैट पर्सन कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द स्टडी. द सेम थिंग कैन हैपन विद अ पर्सन विद हैविंग टू हाउसेस. कई लोगों के पास एक आधे घर होता है तो उसको भी शामिल करने में या तो उसमें दोहरी गणना हो जाती है या वो गणना से छूट जाते हैं. इस दिस स्टडी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ऑल्सो. सो ईदर अ पर्सन इज काउंटेड मोर देन वन टाइम्स और दैट पर्सन इज लेफ्ट ऑफ इफ ही और शी हैज मोर देन वन हाउस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री और इवन इन द सेम रीजन ऑफ द कंट्री. So these are the small difficulties that arise with this method. I hope आपको ये दोनों विधियाँ समझ में आई हैं. हम लोग आगे दूसरे विधियों पर जाएंगे.